केंद्र सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला किया। इसके बाद नागरिक ने 2000 के नोटों को खर्च करना शुरू कर दिया। खरीदारी के साथ साथ अब नागरिक 2000 के नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नोटों का खरीदो फरोख में ही खर्च नहीं किया जाता, बल्कि नागपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। नागपुर में साई भक्त इन दिनों नोटों को बिना बैंक में जमा कराए मंदिर में दान कर पुण्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब भक्त 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल मंदिर में भी दान के जरिए कर रहे हैं। पहले साईं मंदिर की दान पेटी में 2000 रुपए के 3 से 4 नोट आते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। आज की गिनती में साईं मंदिर की दान पेटी में 100 से 2000 के नोट जमा हो चुके हैं। बाजार काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला किया। इन नोटों को बैंक में जमा कराने को कहा गया, लेकिन कई लोग इन नोटों को बिना बैंक में जमा कराए मंदिर की दान पेटी में डालते नजर आ रहे हैं। RBI ने 2000 के नोटों को बंद करने का बड़ा फैसला किया है। RBI ने स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का भी फैसला किया है। RBI ने नागरिकों से बैंकों में जाकर इन नोटों को बदलने की अपील की है। नागरिकों को 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके मंदिर प्रबंधक को उम्मीद है कि नोट बदलने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही 2000 रुपए के नोट दान करने वालों की संख्या में इजाफा होगा। 2000 का नोट भारतीय रुपए की मुद्रा में सबसे बड़ा नोट है। इसे सरकार ने देश में काले धन को खत्म करने के विचार से लाया था, लेकिन अब इसे मुद्रा से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इन नोटों को बदलने के लिए तरह तरह के उपाय नागरिक कर रहे हैं, लेकिन भगवान में आस्था रखने वाले कुछ लोग इन नोटों के माध्यम से पुण्य प्राप्त करने के लिए मंदिर में दान दे रहे हैं। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।